कल शाम 5 बजे माता मंदिर जॉन्सगंज से काली की सवारी के साथ हनुमान जी की ध्वजा लेकर आई जाएगी, जो गड्डी माल्यान का पूरा एक चक्कर लगाकर। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ, विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्किल अजमेर। श्री हनुमान मंदिर विकास समिति गड्डी माल्यान द्वारा आज भव्य जागरण पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की भांति इस बार भी मेले का आयोजन हो रहा है, उसी उपलक्ष्य में ये जागरण और सुंदरकांड का आयोजन रखा गया है। कल मेला भरेगा, कल शाम 5 बजे माता मंदिर जॉन्सगंज से काली की सवारी के साथ हनुमान जी की ध्वजा लेकर आई जाएगी, जो गड्डी माल्यान का पूरा एक चक्कर लगाकर और हनुमान मंदिर पर पहुँचेगी लगभग 7:30 बजे। उसके बाद भव्य मेले का शुभारंभ होगा, क्योंकि यहाँ भक्तों की बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, तो इसी कारण से हम लोगों ने सारी व्यवस्था करी है, कानून व्यवस्था भी करी है और यहाँ पे झूले चाट पकौड़ी सभी की व्यवस्था है। अच्छा, आज कौन कौन में भजेंगे? आज हमारे रामगंज कार्य सिद्धि बालाजी की टीम है, अरुण जी शर्मा है और लखन जी है और उनके मित्र हैं, 3 लोग हैं जो आए अपनी पूरी टीम के साथ में। उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया और भजन संध्या चल रही है अभी। हनुमान जी की मेले में हनुमान जी के भजन चल रहे, राम जी की भक्ति हो रही है, भोले बाबा को याद किया है, माता जी को याद किया है, भैरव जी को याद किया, सभी देवता को याद करते हुए रामदेव जी महाराज का भी दूध आई गई है, अभी भादवा चल रहा है तो उनको भी याद करते हुए मनाया जा रहा है। दिलावर चौहान, अध्यक्ष श्री हनुमान मंदिर विकास समिति।